हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा आपने मेरा लोगो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको आज क्या दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी बनारसी साड़ियों का कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन पार्ट टू। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो ना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी जो सबसे फेवरेट साड़ी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आप भी बताइएगा कि आपको मेरी सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी। ठीक है, सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये वाली साड़ी। ये देखिए, ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी है। इसका मैं आपको बीच का दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके बीच में ये बूटी का वर्क किया हुआ है। इसका बॉर्डर देखिए ऐसा है। ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी साड़ी है। इसका वेट थोड़ा लाइट है, काफ़ी हैवी नहीं है। इसके बाद मैं आपको जितनी भी साड़ी दिखाऊंगी वो काफ़ी वेट है उनका। आई थिंक 5 किलो की साड़ियाँ हैं, इसलिए ये जितनी भी साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो साड़ी मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। ये सब साड़ी मैं जाड़े में ही पहनती हूँ। जाड़े में किसी की शादी रहती है तो ही मैं पहनती हूँ, क्योंकि जाड़े में साड़ी पहनने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि स्वेटर नहीं पहनना पड़ता है। साड़ी ही इतनी हैवी रहती है कि उससे एकदम गर्मी लगने लगती है, और मेकअप वगैरह भी कर लो तो आप लोग तो जानते ही हैं क्या हो जाता है। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए पर लड़कियों को शादी में कभी भी ठंडी नहीं लगती। अब मैं आपको दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी देखिए, ये जो साड़ी का पैटर्न है ना, ये जाल पैटर्न में है, इसको जाल वाली साड़ी बोलते हैं। ये जो साड़ी के पूरा, ये जो साड़ी देख रहे हो इसमें पूरा यही वर्क है। इसका डिजाइन देखिए ऐसा है। ये साड़ी जो है मेरी, ये पर्पल कलर की साड़ी है। देखिए इसका लुक भी पहनने पर बहुत ही अच्छा लगता है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। साड़ी तो साड़ी होती है, पर साड़ी में अगर बनारसी साड़ी की बात करें ना तो उसकी बात ही एकदम अलग है। ये देखिए, ये सब साड़ी बहुत ही हैवी है। इसको पहनने के लिए दो लोग मुझे चाहते हैं, अकेले नहीं पहन सकती मैं साड़ी। उसके बाद देखिए मेरी ये येलो कलर की साड़ी है। ये शादी पे, ये भी मैंने शादी पे खरीदा था। ये देखिए, इस पर देखिए बूटी का वर्क है, छोटे छोटे बूटी हैं इस पर बने हुए। ये देखिए, इसका बॉर्डर का भी वर्क बहुत ही अच्छा है। ये साड़ी भी मेरी बहुत खूबसूरत है। ओह, पर एक ही चीज़ रहता है कि ये सारी साड़ियाँ हैवी बहुत रहती हैं। उसके बाद मेरा देखिए ये फेवरेट साड़ी, इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कलर जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा लाइट है, पीच कलर का ये है। इसका बॉर्डर देखिए कितना अच्छा है, इसका बूटी वर्क देखिए। इसका मैं आपको बॉर्डर दिखा देती हूँ, आँचल दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसका आपको आँचल दिखा देती हूँ। ये साड़ी दो कलर में है, पीच कलर का इसका जो बीच का होता है जमीन वो है, और ग्रीन कलर का देखिए इसका आँचल है। इसके बाद आती है मेरी ये मरून कलर की साड़ी। ना 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 ना। इसका भी जो आँचल है वो ग्रीन कलर का है। दिखाती हूँ मैं आपको पास से। ये देखिए इसका वर्क, देख रहा हूँ ना कितना हैवी है। साड़ी दिखाने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही है।
ये मेरा सबसे फेवरेट साड़ी, मुझे रेड कलर की साड़ी बहुत पसंद है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी सबसे फेवरेट साड़ी। दिखाती हूँ ऐसे, एक सेकेंड, मेरी रेड कलर की साड़ी, ये इसका देखिए बॉर्डर कितना अच्छा है, मैं आपको इसका आंचल भी दिखाती हूँ। इसका आंचल ब्लू कलर से है। मैंने आपको जितनी भी साड़ियाँ दिखाई ना अपने बनारसी, तो उसका आंचल ज़्यादातर दूसरे कलर का ही होता है और कलर में ज़्यादातर ग्रीन रहता है और ब्लू रहता है, नेवी ब्लू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस साड़ी का आंचल ये है, वर्क है वो बूटी पे किया गया है। इसका जो कपड़ा है थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बहुत ही मखमली टाइप का रहता है। सो फ्रेंड, मैंने आपको अपना साड़ी कलेक्शन पार्ट टू भी दिखा दिया। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी और कौन सी साड़ी की सबसे अच्छी डिज़ाइन आपको लगी। सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और मैं बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा, इस बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।